नमस्कार दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्च। उसके लिए चाहिए हमें शिमला मिर्च, उबले हुए आलू जिसे मैश करते हैं आप, प्याज छोटे छोटे पीस में कट कर दिए, लहसुन और हरी मिर्च। एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है मैंने, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं। आप कोई भी आपको जो पसंद हो तेल, कोई भी तेल और घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे जीरा। जब तो हमारा जीरा अच्छे से हो गया है, ये ब्राउन कलर का हो गया है, तो इसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन। लहसुन को अच्छे से पकाइए थोड़ा ब्राउन होने तक, क्योंकि इसकी जो फ्लेवर होता है, इसका रिच फ्लेवर होता है, ये पूरे मसाले को एकदम स्वादिष्ट बना देगा। और इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। आप जिस तरीके की हरी मिर्च ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालिए, कम खाते कम डालिए। और फिर डालेंगे हम कटे हुए प्याज। अच्छे से इस प्याज को इसमें अच्छे से भूनिए। उसके बाद हम मसाला बना लेते हैं। मसाले में लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और डेगी मिर्च। डेगी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपको अच्छा लगे। सिंपल मसाले हैं ये, और कुछ एक्स्ट्रा हमने इसमें डालना नहीं है, तो इसको हम डाल देते हैं अपने। अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है और इस सारे मसाले को हम डाल देते हैं अपने प्याज में। प्याज में से अच्छे से भूने और सिम कर दे अपना गैस, नहीं तो ये जल भी सकता है। इसके 2 मिनट रखिए और तेल जब अच्छे से छोड़े, मसाला पूरा अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद थोड़ा से अच्छे से 1 मिनट तक आप इसे अच्छे से चलाएं, और ये हमारा आलू तैयार हो चुका है। मसाला इसमें डालेंगे हम गरम मसाला और नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। जैसा आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। इसे एक बार और अच्छे से मिला दें। उसके बाद हम डालेंगे ऊपर से हरा धनिया। हरे धनिया से स्वाद अलग हो जाता है दोस्तों, और आप अगर ऐसा करेंगे ऊपर से डालेंगे, इसे पकाना नहीं है, बस ऊपर से डाल के इसे थोड़ा सा एक बार चला लेना है। और उसके बाद देखिए आप कितनी अच्छी खुशबू आती है लहसुन की और हरी मिर्च की और प्याज की। इसे ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने एक प्लेट में, ठंडक होने के लिए रख दिया है। और चढ़ा दिया मैंने दोबारा कढ़ाई, और इस मसाले को मैं अच्छे से शिमला मिर्च के अंदर फिल कर लूँगी, भर लूँगी। देखिए मैंने सारे को भर लिया है इसके अंदर, और इसे आप कैप भी लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बिना कैप के भी ये अच्छे से हो जाएगा, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी। देखिए मेरा मसाला बच चुका है। इसका मैं पराठा भी बना सकती हूँ, सैंडविच बना सकती हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। टिक्की भी आप इससे बना सकते हैं। तो मैंने अब पैन गरम कर लिया है, इसमें डाल लिया है सरसों का तेल फ्राई करने के लिए। थोड़ा कम तेल डालिए आप, उसके ऊपर रख दीजिए शिमला मिर्च, भरा हुआ शिमला मिर्च। उसके बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे। सिम में पकाना है, नहीं तो ये तेल एकदम पीछे को चटक के आता है। उसे ढकना है, हमने थोड़ी देर तक ढकना है सिम करके, फिर उसे पलटना है अच्छे से चिमटे से। अब इसे ढक दिया है मैंने, और ये 5 से 6 मिनट में अच्छे तरीके से चारों तरफ से हो जाता है। पसंद आए रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूले दोस्तों। और मैं मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में अपने। जय हिंद, जय भारत।